सवारी खड़ी है उठ के लेट के मत जा उठ के बैठ पहले ओए क्या ओए बात कहना तो क्या करोगे क्या करेगा तू क्या करोगे ट्रेन खुल चुके यार चढ़ाओ फटाफट जल्दी मतलब देख सकते हैं लोग पहले दो मिनट नहीं आ सकते हैं और फिर बाद में एक और टनल के बीच से अपनी ट्रेन गुजरते हुए आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी टनल है और यहाँ अपनी ट्रेन शानदार कर्व लेते हुए जंगल को देख सकते हैं सामने जंगल में घूमते हुए मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे और स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत है आपका योग नगरी ऋषिकेश के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी और चलते हैं स्टेशन के अंदर और आपको बताते हैं आप आज की अपनी कौन सी ट्रेन की जर्नी होने वाली है। तो ये देखिए ऋषिकेश स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है, पहाड़ों के बीच में स्टेशन को इतना सुंदर और आकर्षक बनाया गया है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप यहाँ एक बार आएंगे तो आपको खुद ही खुद अनुभव होगा कि इस स्टेशन को कितना प्राकृतिक और बढ़िया बनाया गया है। आप इसका चारों तरफ से व्यू पॉइंट देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर और ये है ऋषिकेश स्टेशन के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। तो भाई लोग आप देख लीजिए ऋषिकेश प्लेटफॉर्म के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर एक पे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर एक अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। पहाड़ों के बीच में काफ़ी बढ़िया और आकर्षक बनाया गया है अपने इस योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन को। और दोस्तों बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन अपने को टोटल 744 किलोमीटर की दूरी तय करती है 16 घंटे में, और 16 घंटे में हमको हर योगनगरी ऋषिकेश से पहुंचा देती है अपने प्रयागराज संगम तक। तो चलिए अपने ट्रेन का हॉकिंग आप सुन चुके हैं, ट्रेन का हॉकिंग हो गया और चलते हैं इस ट्रेन के अंदर और दिखा देते हैं आपको इसका इंटीरियर। तो भाई लोग दोपहर के एकदम राइट समय 3:20 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है योगनगरी ऋषिकेश के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो आप देख सकते हैं योगनगरी और धूप इतना तेज़ है कि आप वीडियो में सही से आ नहीं रहा है और दूसरी तरफ खड़ी है सामने योगनगरी ऋषिकेश से जम्मू तवी योग के बरौनी जाने वाली। जम्मू तवी बरौनी मेल एक्सप्रेस दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा, एकदम योग नगरी ऋषिकेश को पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। तो अलविदा योग नगरी ऋषिकेश, जल्द ही मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो ये है योग नगरी ऋषिकेश के जंगलों का शानदार नज़ारा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन राजा जी नेशनल पार्क से गुजरते हुए ये पूरा एरिया राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, इसी की बीच में से अपनी ट्रेन की और सड़क मार्ग दोनों इसी जंगल के अंदर से गुजरते हैं। अपनी ट्रेन को देख सकते हैं शानदार कर्व लेते हुए।
और राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आपको हाथी, चीतल, गुलदार और कई तरह के आपको जानवर दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है राजा जी नेशनल पार्क का और बहुत ज़्यादा घना जंगल है, तो इसमें बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं। आप देख सकते हैं चीतल को, आप चीतल को देख सकते हैं सामने जंगल में घूमते हुए। मोतीचूर स्टेशन राजा जी नेशनल पार्क के अंदर पड़ने वाला है। मोतीचूर स्टेशन हरिद्वार के पहले का स्टॉपेज है। तो दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत पड़ने वाला ये अपना हरिद्वार के पहले का स्टेशन मोतीचूर है। इसके बाद अपना सीधा पड़ेगा हरिद्वार, और इसका नाम मोतीचूर क्यों है ये तो नहीं पता, बाकी दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और आप देख सकते हैं पूरा एरिया राजा जी नेशनल पार्क के एकदम पूरा जंगली इलाका है। और अभी हमने आपको दिखाया चीतल का झुंड, आपको दिखाया जंगल के अंदर का, तो देख सकते हैं यही है मोतीचूर स्टेशन का नज़ारा। बाकी आपसे मिलते हैं अब सीधे यहाँ से हरिद्वार। मोतीचूर रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और एक छोटा सा नाला जंगल के अंदर जो गर्मियों में सूख चुका है, बाकी बारिश होने का इंतज़ार है। बारिश होगा तो ये नदी नाले फिर से हरे भरे हो जाएंगे। और गर्मी की वजह से जंगल के काफ़ी पेड़ पौधे सूख चुके हैं, बारिश में फिर से हरे भरे हो जाते हैं। मोतीचूर स्टेशन से चलने के साथ ही आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा शुरू भी हो चुका है, और कितने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं। पहाड़ों के किनारे छोटे छोटे मकान बने आपको दिख रहे हैं। और ये मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता है, यहीं पे दुकानें लगी हैं और यहाँ से अपने ट्रेन के लोगों की खरीदारी शुरू हो चुकी है यहीं से। Thank you.
और अपनी ट्रेन शानदार टनल से गुजरते हुए और एक और टनल के बीच से अपनी ट्रेन गुजरते हुए आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी टनल है और यहाँ अपनी ट्रेन शानदार कर्व लेते हुए है मनसा देवी पैदल मार्ग। हाँ मनसा देवी से पैदल पैदल जा सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 2 और लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे चढ़ने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ से अपने ट्रेन में लोग बोर्ड करने वाले हैं और टाइम हो रहा है 16:19 यानी 4:20। और यहाँ पे चढ़ने वालों की भीड़ देख सकते हैं आप और टाइम हो रहा है 4:20 और यहाँ पे अपनी ट्रेन एकदम पैक हो जाएगी। सब बैठ के ही आएंगे यहाँ और कुछ ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे अंदर का मोबाइल डाले और जरूर यहाँ पे कुछ लफड़ा होने वाला है भाई। जाग जाओ अरे बनने लगे। हाँ तो गाजियाबाद से उधर कट के निकल जाती है जाएगी। हाँ शायद जाना चाहिए। भाई ट्रेन ने हॉकिंग दे दी है और अभी यहाँ पे चढ़ने वाले चढ़ नहीं पाए बाकी स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में भाई चढ़ने के लिए जनरल से ज़्यादा बुरा हाल है स्लीपर कोच का आप लोग देख सकते हैं। भाई ट्रेन खुल चुकी है यार चढ़ाओ फटाफट जल्दी आ जाओ।
मतलब देख सकते हैं लोग, पहले दो मिनट नहीं आ सकते हैं और फिर बाद में दिक्कत हो जाता है लोगों को चढ़ाने में। तो भाई लोग 10 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। और बात करें हरिद्वार रेलवे स्टेशन की तो 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और टोटल यहाँ पे 10 मिनट का अपना हॉल्टिंग था। बात करें स्टेशन कोड की तो जे आर एस का स्टेशन कोड हुआ और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में। बाकी यहाँ पे 58 ट्रेनें हॉल्टिंग करती हैं और 8 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है, 8 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। तो बाय बाय हरिद्वार। गंगा नहर है तो टाइम हो रहा है शाम के 5:02 और अपनी ट्रेन आ चुकी है लश्कर जंक्शन पे। लश्कर जंक्शन की बात करें तो स्टेशन कोड हुआ इसका LRJ और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। बाकी ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद मंडल में। तो यहाँ पे टोटल इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाती है, एक लाइन दिल्ली की तरफ और एक लाइन अम्बाला कैंट की तरफ, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोर्ड करने वाले हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए मारा मारी हो रही है। बाकी 5 मिनट का हाल्ट है और चलते हैं अपने ट्रेन के अंदर। लश्कर जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज नजीमाबाद पे। तो शाम के 6:05 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है योगनगरी ऋषिकेश से 91 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुकी है अपने नजीमाबाद जंक्शन पे। और शाम यहाँ पे इसका आने का टाइमिंग था शाम के लगभग 5:30 और ये आई है आधा घंटे की देरी से, 6 बजे के लगभग यहाँ पे आई है। तो बात करें नजीमाबाद की तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और NDB का स्टेशन कोड हुआ और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से 2-3 जगह के लिए अपनी लाइनें कटती हैं। तो यहाँ पे टोटल इसका 5 मिनट का हॉल्ट था लेकिन यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं रुकी और इसने हॉकिंग कर दी। अब तो चलिए चलते हैं इसका दिखाते हैं डिपार्चर, फिर मिलेंगे आपसे एकदम अगले नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और ये अपने भाई गौरव बैकपैकर, लाइक करिए वीडियो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज मुरादाबाद पे। आइए डिपार्चर दिखा देते हैं इसका। हाँ तो भाई नजीबाबाद में 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है।
नजीबाबाद जंक्शन। और अपनी ट्रेन शानदार कर्व लेते हुए मैंने क्या बोला बोला नहीं किया मैंने कुछ बोला उसको कुछ बोला पहली बात तो है सवारी खड़ी है उठ के लेट के मत जा नहीं उठता बैठ पहले ओए क्या ओए बात कहना तो क्या 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 तू क्या करोगे भाई साहब वो टंगने की जगह है वहाँ पे तो टंगेगा टंगने की जगह है वहीं पे तो टंगेगा ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को जैसे तुम अगर जेंटलमैन हो और हम करते हैं ऊपर चढ़ के बैठ गए पहले टांग भाई टांग दे कुटांग अरे हाँ टांग भाई सबको बैठने दो यार कहाँ लेट के एकदम लेट के भाई सब लोग आए हैं बैठने के लिए बैठ के हाँ बैठ के जाओ लेट के जाने का कोई मतलब थोड़ी है भाई सब लोग यहाँ पे खड़े रहे आप लोग लेट के जाओ तो अच्छा नहीं लगता है भाई। हाँ बताओ ये कोई रेजिवेशन थोड़ा है ये अपनी सीट पर पड़ के जा रहे हैं मैं भी स्टाफ का क्या कह रहे हो कह रहे हो यार क्या कहोगे आप बोल रहे हो ना अब तभी नहीं कर रहा हूँ टांगो बैग को टांगो यार टांग लो यार टांग लो क्या दिक्कत है भाई टांग लो बैग को टांग लो भाई वो दिक्कत बता रहे हैं ना बैग से उन्होंने तार के अपनी गोद में रख लिया अब उससे क्या दिक्कत होगी टांगने वाली जगह है तो वहीं तो टंगेगा यहाँ थोड़ा रखा जाएगा वो टांगने वाली जगह है वहीं तो टंगेगा गोद में थोड़ा लेके बैठेगा सामान टांगने की जगह सुन रहा सही लग रहे हो सिर के नीचे रख ले अपने मैंने बोला भाई साहब आप सिर के नीचे रख लो बस यही मैंने रख रखा बता लो मेरे को बैठो बैठो चलो हो गया बैठ जाओ।
गाड़ी संख्या 15035 दिल्ली जंक्शन काठपुरा संपर्क राशि दिल्ली जंक्शन तो दोस्तों 7:45 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने 7वें स्टॉपेज मुरादाबाद जंक्शन पे। और बात करें मुरादाबाद की तो टोटल 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड हुआ MB। बात करें जंक्शन पॉइंट क्यों है, तो जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से हरिद्वार को जाती है, एक लाइन अपनी दिल्ली को जाती है और एक लाइन रामनगर को जाती है, बाकी अलीगढ़ भी जाती है, तो इसलिए हुआ जंक्शन पॉइंट। और बात करें मुरादाबाद की तो यहाँ पे टोटल 206 ट्रेनें हॉल्टिंग करती हैं, 22 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 22 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। चलते हैं मुरादाबाद पे, कुछ खाने पीना का ले लेते हैं क्योंकि शाम को 7:30 बज चुका है और इसके बाद आएगा रामपुर, तो यहीं से कुछ खाने पीने का। दोस्तों बात करें खाने पीने के, तो यार यहाँ पे कुछ भी खाने पीने लायक लेने लायक नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें खाने पीने की मतलब बेकार तेल में बनाते हैं, तो खाने पीने की तो बात ही मत करिए। हाँ यहाँ पे फल वगैरह मिलता है वो ले सकते हैं क्योंकि केला हुआ, सेब हुआ, ये सब खा सकते हैं, बाकी खाने पीने की यहाँ पे कोई चीज़ें सही नहीं है, इसीलिए खाने पीने उससे बढ़िया आप बिस्किट चिप्स नमकीन वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों रात के लगभग 2:25 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने 12वें हॉल्ट पे, लखनऊ स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है LJN। और टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 9 प्लेटफॉर्म है इस पे और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ मंडल में। आने का टाइमिंग था 1:25 पे, लेकिन अपनी ट्रेन एकदम आई है पूरे 1 घंटे लेट, यानी 2:25 पे। तो इस ट्रेन को मतलब आ तो रही थी टाइमिंग से, लेकिन आलमबाग के पास मतलब आउटर पे इसको मतलब 1 घंटे आधे घंटे के लिए रोक दिया गया, इसलिए इसको इतना लेट हो गया। बाकी अच्छी ट्रेन है। बरेली के बाद हम सोचे थे कि आपको दिखा देंगे, बरेली के बाद आपको दिखाएंगे हरदोई और शाहजहाँपुर, लेकिन आँख लग गई और अभी नींद खुली है, तो आपको सोचा कि लखनऊ दिखा दें, उसके बाद सीधे मिलेंगे आपसे प्रयागराज। जंक्शन
लैंड जंक्शन का ये है प्लेटफार्म नंबर 2। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है प्रयाग जंक्शन पे। और ट्रेन तो जाएगी प्रयागराज संगम तक, लेकिन हम यहाँ पे प्रयाग जंक्शन पे ही डिबोर्ट कर दिए हैं ट्रेन को, क्योंकि हम अपनी जर्नी का यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।